ये जो उदयनिधि स्टालिन है ना, ये वो मच्छर कीड़े हैं, ये वो कीड़े हैं कलयुग के, ठीक है, जिनके आंखों के सामने कलयुग की पट्टी पड़ गई है। देश का रिप्रेजेंटेटिव प्राइम मिनिस्टर वहां जाकर आपके मंदिरों को सम्मान दे रहा है, अपने कल्चर अपने रूट को नहीं भूला, और ये जाहिल गंवार कन्वर्टेड क्रिश्चियन थर्ड जनरेशन सेकंड जनरेशन ये आकर हमें समझाएंगे हमारे धर्म के बारे में। आपके धर्म पे कोई बोलता तो कल अरेस्ट करवा देते, जैसे मनीष कश्यप को इन लोगों ने फंसा लिया, इनकी सच्चाई उस आदमी ने दिखाया तो उसको पकड़ के दो स्टेटों ने मिलकर एनएसए लगा दिया। अपने बेटे पे तो स्टालिन नहीं लगा रहे अभी, क्योंकि अपना खून है ना, धृतराष्ट्र की तरह अंधा हो गया ये पुत्र मोह में। खुद का पार्टी डीएमके डेंगू मलेरिया और कुष्ठ रोग वाली पार्टी है इनकी, मैं बोल रहा हूँ डीएमके का फुल। पत्नियों को ये सीधे संदेश देता हूँ मैं कि रामचरितमानस पढ़ना चालू करो या अपने धर्म का ग्रंथ पढ़ना चालू करो। क्यों तुम आज के टाइम पे सुन लेते हो? क्यों तुम आज के टाइम पे कोई भी कुछ कह देता है तुम्हारे पास कहने को कोई जवाब नहीं होता है? क्यों तुम्हारे पास उसका तर्क नहीं होता है? क्योंकि तुम्हारे पास नॉलेज की कमी है। उदयनिधि स्टालिन ने तो सनातन का मजाक बना दिया, जितना बोल पाए बोल लिए, और जो एक उनके पार्टी के नेता थे वो भी बोल लिए, एचआईवी से तुलना कर दिए, लेकिन ब्रिटेन के पीएम आके अक्षरधाम में अपना सिर झुका लेते हैं, तो इससे क्या मैसेज जाता है? अब उनके लिए लोग नहीं बोलेंगे कि काश ये बचपन में स्कूल गए होते तो आज मंदिर नहीं जाते, किताब पकड़ी होती। इनका इतना गंदा चरित्र है ना, इन सब चीज़ों से हमें सीखना चाहिए। एक आदमी उतना दूर ब्रिटेन में अपना इंडियन ही होकर एनआरआई होकर वहाँ रहकर, एनआरआई क्या वहाँ के मेंबर है, कहते सनातन धर्म पर हमें नाज हमें गर्व, हाँ तो गर्व है तो उनको उसकी कीमत पता है ना, वो उन चीज़ों को अस्तित्व और महत्व दे रहे हैं कि वो कितना पारंपरिक चीज़ है। जर्मनी से लेकर फ्रांस से लेकर रशिया से लेकर इटली से लेकर सारे देशों को पता चल गया कि इनके वैदिक टेक्स्ट बुक कितने पावरफुल हैं, सिर्फ भारतीयों को ही पता नहीं चल पा रहा है कि मतलब वो क्या है। लिखे हुए चीजों को आप बोल रहे हो वहां पे, मतलब ये तो सब प्रीप्लांड है, और उदयनिधि बोल दिए तो उनको डर किस बात का? अगले दिन तो ट्विटर पे स्टेटमेंट पास कर रहे हैं कि वो कि हमें सफरोन वालों से डर नहीं है। फिर उनके एक मंत्री एक बोलते हैं एचआईवी से तुलना करते हैं, ये डेंगू मलेरिया कहते हैं, और खुद का पार्टी डीएमके डेंगू मलेरिया और कुष्ठ रोग वाली पार्टी है इनकी, मैं बोल रहा हूँ डीएमके का फुल फॉर्म, डेंगू मलेरिया कुष्ठ रोग डीएमके का फुल फॉर्म। अपनी पार्टी संभाले, क्योंकि जो हम मेरे धर्म को बोलेगा, धर्म को नहीं मेरे पूरे कल्चर को, क्योंकि धर्म तो अगर धर्म पे आऊंगा तो सिर्फ मेरे लिए हो जाएगा, मेरे धर्म के लिए। सनातन एक धर्म नहीं है, एक वे ऑफ लिविंग है, आप किस तरीके से जीते हो वो सिखाता है मेरा सनातन धर्म। तो मुझे अपने धर्म पे नाज है, अगर वो बोल रहे, अगर वो होते, अगर वो यूपी में ये स्टेटमेंट पास आउट कर देते ना, तो बाबा बता देता कि कैसे गाड़ी पलटी जाती है। ये जो उदयनिधि स्टालिन है ना, ये वो मच्छर कीड़े हैं, ये वो कीड़े हैं कलयुग के, ठीक है, जिनके आंखों के सामने कलयुग की पट्टी पड़ गई है, ठीक है। ये लोग मंत्री को कीड़ा क्यों नहीं कहेंगे? वो हमारे सनातन धर्म को कह सकते हैं, हम क्यों नहीं कह सकते? हमारा पूरा हक है, उसे किसने हक दिया ये चीज का, ठीक है। मैं एक बात बोल रहा हूँ, इन पे पहली बात तो राम की कृपा नहीं है, क्योंकि कृपा होती ना तो ये दर दर ये गाली नहीं खा रहे होते आज के टाइम पे, ये वाह वाही खा रहे होते, क्योंकि राम की फौज करे है मौज। दूसरी चीज मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं रामचरितमानस के एक चौपाई बोलूंगा, जी बिल्कुल, ठीक है, कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, ठीक है। तो ये जो इसका जो तात्पर्य है ना, जिस जो सत्संग करता है ना उस पर हमेशा राम की कृपा होती है, और सत्संग उसे ही मिलती है जिस पर राम की कृपा होती है। तो ये सीधे सनातनियों को ये सीधे संदेश देता हूँ मैं कि रामचरितमानस पढ़ना चालू करो या अपने धर्म का ग्रंथ पढ़ना चालू करो। क्यों तुम आज के टाइम पे सुन लेते हो? क्यों तुम आज के टाइम पे कोई भी कुछ कह देता है तुम्हारे पास कहने को कोई जवाब नहीं होता है? क्यों तुम्हारे पास उसका तर्क नहीं होता है? क्योंकि तुम्हारे पास नॉलेज की कमी है। अगर तुम्हारे अंदर खून खौलता है और तुम बोल नहीं पाते हो वहाँ पे, तो मैं इसलिए तुम्हें बोल रहा हूँ, इस चीज़ का संदेश दे रहा हूँ, मेरे भाइयों मेरी बहनों पढ़ना चालू करो। कोई भी क्वेश्चन रेज कर देता है कि हिंदू सिर्फ बोलता है करता नहीं है, तो अब क्या चाहते हैं लोग? पब्लिक ये चाहते हैं कि गला काट दे तब मानोगे? मतलब एक बात बताओ, नॉर्मल यही है ना, मतलब जो दूसरे जो धर्म के लोग जैसा आचरण दिखा रहे हैं, मतलब स्टेटमेंट, आपको इतना राइट इसलिए है ना, आपको फ्रीडम इतना इसलिए क्योंकि हम लोग उस तरह का चीज़ नहीं करते हैं जो आप लोग कर रहे हो। कल आए दिन सनातन का मजाक बनाते हो, ऐसे लगता है कि कोई म्यूजिक लॉन्च हुआ है और रील की तरह रील पे रील बना रहे हो आप। कल स्वामी प्रसाद मोड़े बोल दे रहे हैं, कल वो क्या नाम है कटप्पा बोल रहा है, वो जो बाहुबली का सत्य प्रकाश था वो भी बोला है उनका सपोर्ट में, ये उदयनिधि बोली नहीं तो कह रहे हो आप लोग इतना चिल्ला रहे, लेकिन ये लोग तो बोले ही जा रहे और खुले आम घूम। हिंदुओं को पता दिक्कत क्या हो गया, हिंदू सिर्फ आधा ही श्लोक पढ़ के रखा है। भाई ने जैसा बोला, आप किसी को जवाब तब दे सकते हो जब आपको अपने ग्रंथ और वेदों के बारे में थोड़ा बहुत पता हो गया। जो ब्रिटेन के पीएम है, जिस तरीके से उन्होंने अक्षरधाम में जाके दर्शन किया है, सनातन धर्म पर गर्व महसूस किया है, तो वो उदयनिधि स्टालिन पर कहीं ना कहीं तमाचा नहीं?
तमाचा बिल्कुल है, उनको सीखना चाहिए कि एक आदमी विदेश का पीएम होके अपने कल्चर को इतना समझ रहा है, इतना महत्व दे रहा है कि वो मंदिर जा रहा है, वो G20 के डेलीगेशंस का अप्रूवल जब हो जाता है उसके बाद वो आता है, बोलता है अगले दिन मैं मंदिर जाऊंगा। आता क्या है? आते हैं, एक देश का रिप्रेजेंटेटिव प्राइम मिनिस्टर वहां जाकर आपके मंदिरों को सम्मान दे रहा है, अपने कल्चर अपने रूट को नहीं भूला। और ये जाहिल गंवार कन्वर्टेड क्रिश्चियन थर्ड जनरेशन सेकेंड जनरेशन यह कर हमें समझाएंगे हमारे धर्म के बारे में? उदय निधि, माँ का नाम हिंदू, बाप का नाम क्रिश्चियन, खुद का नाम क्रिश्चियन, और आते अरे भैया आप अपने धर्म का जब सम्मान नहीं कर सकते, आप चलो आपके धर्म पे कोई बोलता तो कल अरेस्ट करवा देते, जैसे मनीष कश्यप को इन लोगों ने फंसा लिया, इनकी सच्चाई उस आदमी ने दिखाया तो उसको पकड़ के दो स्टेटों ने मिलकर एनएसए लगा दिया। आप अपने बेटे पे तो स्टालिन नहीं लगा रहे अभी, क्योंकि अपना खून है ना, धृतराष्ट्र की तरह अंधा हो गया ये पुत्र मोह में, इसको दिखाई नहीं दे रहा है। तू हिंदू कौन है? सिख है, बुद्ध है, जैन है, और हिंदू हम सनातनी सारे मिलकर हिंदू बनते हैं। हिंदू क्या कोई स्टेट में बाउंड है कि जो बीजेपी को वोट दे रहा है वो हिंदू है, जो बीजेपी को वोट नहीं दे रहा है वो हिंदू नहीं है? आप सभी हो एक हिंदू, एक विचारधारा है, एक माले की गुथी हुई सारे वो माला के दाना है। आप अपने आप को एक समझो। और वहां के देखिए, हम दूसरे स्टेट वाले हैं, हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे कि उनको असली चेहरा वहां की जनता दिखाएगी अपकमिंग इलेक्शन में, कि जो आपके सगे नहीं हुए वो दूसरे को क्या होंगे। उदयनिधि, स्टालिन का जो बयान सनातन धर्म को लेकर है उसको लेकर के लोगों में गुस्सा है, और अभी फिलहाल देखने वाली बात होगी कि लोगों के और क्या क्या प्रतिक्रियाएं आती है, क्या क्या बयान आते हैं। हालांकि आप कितने सहमत इन सभी की बातों से, आप कमेंट सेक्शन में जाके हमें जरूर बताएगा। आगे आपको ऐसी जानकारियां देते रहेंगे। जय हिंद।